सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सार्थक मैकी। सो आज मैं अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ ये E88 प्रो मैक्स ड्रोन। ये मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था। इसका जो प्राइस है 1699 है। ये डुअल बैटरी के साथ आता है। इसके और भी काफ़ी सारे मॉडल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि E88 आता है एंड E88 प्रो आता है। क्योंकि तो सारा ड्रोन बिल्कुल सिमिलर होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता, बस बैटरी वगैरह किसी में दो, किसी में तीन या किसी में सिंगल बैटरी भी आता है, ये सब चीज़ डिफरेंस होते हैं, बाकी ड्रोन कैमरा सारा सिमिलर ही आता है। चलिए इसे मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ बॉक्स में क्या कुछ देखने को मिल जाता है। नॉर्मल सा एक ये आपको कैरी बैग के साथ आता है ड्रोन, एंड इसमें आपको रिमोट, ड्रोन, बैटरी ये सब मिल जाता है। साथ में अपर के साइड एक एक्सेसरीज का पाउच देखने को मिल जाता है, जिसमें कि काफ़ी सारे एक्सेसरीज दे रखे हैं, जिसमें आपका चार प्रोपेलर गार्ड देखने को मिल जाता है। अगर आप इंडोर फ्लाई करते हो तो आप इसे लगा सकते हो, जिससे कि आपका ड्रोन क्रेश नहीं होगा, या क्रेश होता भी है तो प्रोपेलर टूटेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा। एंड दो एक्स्ट्रा प्रोपेलर भी आपको इसमें मिल जाते हैं। एंड चार्ज करने के लिए एक माइक्रो यूएसबी केबल देखने को मिल जाता है, छोटा सा एक स्क्रू ड्राइवर भी मिल जाता है। ये रहा हमारा ड्रोन, देख सकते हो काफ़ी छोटा सा ड्रोन है, एंड स्मॉल साइज होने की वजह से आप इसे इंडोर इजिली फ्लाई कर सकते हैं। एंड आउटडोर भी मैंने प्रॉपर टेस्ट करके रखा है, जिसका इतना हाइट वगैरह जो भी सारा चीज़ मैंने टेस्ट करके रखे हैं। ये जो इसका जो भी हाइट है वहाँ तक ये जाने के बाद थोड़ा सा सिग्नल वगैरह इसका लॉस्ट होने लगता है, तो वो सब भी मैंने सारा वीडियो में रिकॉर्ड करके रखा है, वो आगे मैं आपको दिखा दूंगा। बॉक्स में आपको एक बैटरी देखने को मिल जाता है, एक बैटरी ड्रोन में लगा हुआ है। अगर आप डुअल बैटरी वाला परचेस करते हो तो आपको डुअल बैटरी मिलेगा, अदरवाइज सिंगल बैटरी मिलेगा। बैटरी कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो 1800 mAh का ये बैटरी होता है। एंड मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 8 to 10 minutes आपको बैटरी बैकअप इसमें देखने को मिल जाते हैं। जब आप न्यू ड्रोन परचेस करोगे तो 10 minutes तक आपको इसमें बैटरी बैकअप मिल जाते हैं। वैसे जैसे जैसे थोड़ा सा पुराना होगा, आप बैटरी को चार्ज एंड डिस्चार्ज करोगे तो 8 मिनट के अराउंड इसका बैटरी बैकअप आ जाता है। फिर एटलीस्ट आप 10 से 20 बार अगर बैटरी भी चार्ज कर लेते हो, फिर बैटरी बैकअप धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि सस्ते प्राइस में ड्रोन मिलते हैं तो बैटरी वगैरह का क्वालिटी जो उतनी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो ये रहा इसका ड्रोन। अपर में आपको एक ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है। एंड ये जो ड्रोन है डबल कैमरा सेटअप के साथ आता है। फ्रंट का कैमरा एडजस्टेबल है, बैक का कैमरा फिक्स है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड अपर में आपको दो LEDs भी देखने को मिल जाते हैं। कैमरा का क्वालिटी उतना ज़्यादा खास नहीं है। नीचे का कैमरा यहाँ पे दे रखा जो कि फिक्स है, आप इसे कुछ भी एडजस्ट वगैरह नहीं कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी हर जगह मेंशन आपको मिलेंगे 4K, बट इसका एक्चुअल जो क्वालिटी है 124p जितना ही है। एंड इसका जो बैटरी बैक साइड से रिमूव हो जाता है, रिमूव करके आप इसे इजिली चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग टाइम जो इसका है 30 से 40 मिनट में कंप्लीट फुल चार्ज हो जाता है। एंड उसके बाद आप 8 टू 10 मिनट्स फ्लाइंग कर सकते हो सिंगल बैटरी से। डुअल बैटरी अगर आप यूज करते हो तो 15 टू 16 मिनट्स तक आप इसे फ्लाई कर सकते हो बैटरी रिप्लेस करके। एंड यहाँ पे ये रिमोट है, रिमोट में भी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे बटन्स वगैरह हैं। जॉयस्टिक का क्वालिटी भी ठीक ठाक है, 1 की टेकऑफ, 1 की लैंडिंग ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। 360 फ्लिप भी आप कर सकते हो ड्रोन को, एंड साथ में फोटो वगैरह भी क्लिक कर सकते हो। रिमोट में बटन यहाँ पे दे रखा है। बैटरी आपको रिमोट का इंक्लूडेड नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। 3 बैटरी इसमें लगते हैं। बैक साइड में 3A साइज का बैटरी लगता है, 3AA साइज का बैटरी नॉर्मल जो होते हैं वही लगता है इसमें भी, आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। कुछ सेलर हैं जो कि आपको बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज ये बैटरी साथ में नहीं आता। यहाँ से आप ऑन करोगे तो एक बीप का साउंड आपको सुनाई देगा रिमोट में, एंड आपको फिर रिमोट को भी ऑन कर लेना है, इसे फिर आपको कनेक्ट कर लेना है। वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बैटरी इसमें लगा हुआ है, एंड 2 से 3 सेकेंड तक आप बटन प्रेस करोगे ड्रोन का तो ऑन हो जाता है। ड्रोन में एक रेड कलर का लाइट भी जलने लगता है, आगे का जो लाइट है वो ब्लिंक करने लगता है। आपको अभी ड्रोन को कनेक्ट करना है अपने रिमोट के साथ, तो सबसे पहले जो ये जॉयस्टिक एक बार अपर करना होगा, फिर एक बार डाउन करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि आप जब भी पेयर करोगे तो कभी कभी अचानक से ड्रोन फ्लाई हो जाता है। हमेशा तो ऐसा प्रॉब्लम मुझे नहीं मिला, कभी कभी होता है, अभी देख सकते हो फ्लाई हो गया। ये सब नॉर्मल है इस ड्रोन के लिए, इससे पहले भी काफ़ी बार हो चुका है, अचानक से पेयर हो जाता है फिर भी फ्लाई हो जाता है, पता नहीं क्यों, बिना कोई बटन प्रेस किए भी। तो ये सब कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। तो ये सब आपको सेफ्टी रखना है, जब भी आप ड्रोन को फ्लाई करो तो अपने से थोड़ा दूर रख सकते हैं। वैसे इसका जो प्रोपेलर उतना भी शार्प नहीं है, आप हाथ वगैरह लग भी जाता है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हाथ वगैरह कटता नहीं है, रुक जाता है। ये इसका ऐप है, QR कोड स्कैन करके आपको डाउनलोड कर लेना है, वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है, एंड आपका कैमरा डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो अभी नीचे का कैमरा है। मेरा रूम का लाइट काफ़ी ज़्यादा है, 2-3 लाइट जल रहे हैं, तो इसके वजह से क्वालिटी आपको थोड़ा बेटर देखने को मिल रहा होगा। और ड्रोन अभी रखा हुआ है इसीलिए पिक्चर क्वालिटी थोड़ा ठीक लग रहा होगा। जब भी ड्रोन फ्लाई होता है तो फिर इसका जो पिक्चर क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा बेकार आता है, मतलब आप चीज़ों को पहचान भी नहीं पाओगे, बट आपको लगेगा कुछ चीज़ें हैं सिर्फ वहाँ पर, वो क्या है वो भी आप इसका कैमरे से पता नहीं कर पाओगे। यहाँ पर रूम का लाइट काफ़ी अच्छा है, ड्रोन अभी फ्लाई नहीं कर रहा तो स्टेबल है, इस वजह से वीडियो वगैरह आपको देख सकते हो, जो क्वालिटी अच्छा देखने को मिल रहा होगा।
जब मैं आउटडोर फ्लाई करूँगा तो वहाँ से भी मैं आपको वीडियो क्लिप लगा दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आगे मैं सारा चीज़ दिखा दूँगा आपको। तो इसका ऐप है, ऐप से भी आप ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो, बट यहाँ से थोड़ा रिस्की होता है, इसका कंट्रोलर उतना अच्छा नहीं है ऐप का, तो यहाँ से ड्रोन आपका क्रेश हो सकता है इजिली। आप रिमोट से ही यूज़ कर सकते हो, बाकी फ़ोन में काफ़ी सारे ऑप्शन भी हैं, आप देख सकते हो सारा चीज़। ये बैक का कैमरा भी मैंने स्विच किया, तो कैमरा भी स्विच कर सकते हो ऐप के थ्रू ही। नीचे का कैमरा तो और भी घटिया क्वालिटी का है, 144p इतना ही है दोनों का क्वालिटी। सो मैं ड्रोन को लेके आउटडोर में आ चुका हूँ, यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट करेंगे, रेंज वगैरह भी इसका सारा देखेंगे। एंड यहाँ पे एक बार ड्रोन क्रेश भी हो चुका है, वो क्यों हुआ था ये सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। एंड कितने रेंज तक ये ड्रोन जाता है, कहाँ तक जाने के बाद इसका जो कंट्रोल काम करना बंद कर देता है, वो भी आगे मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं ड्रोन फ्लाई कर लिया, एंड ड्रोन जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी है, नॉर्मल आप इंडोर में भी फ्लाई कर सकते हो, फर्स्ट टाइम आप आउटडोर में फ्लाई करिएगा, क्योंकि क्रैश वगैरह होने का चांस होते हैं। अगर बैटरी फुल चार्ज है आपका ड्रोन का तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है ड्रोन, अगर बैटरी धीरे धीरे डाउन होते जाता है थोड़ा सा स्टेबल इसका इधर उधर होने लगता है, बाकी ठीक ठाक ड्रोन है। अभी मैं देख सकता हूँ फ्लाई करूँ, अभी नॉर्मल हाइट में ही है, ऊपर में आपको हाइट का अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो ड्रोन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, एक जगह उड़ रहा है। एंड अभी मैं इसका फ्लाइंग टेस्ट करने वाला हूँ, देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट राइट इधर उधर भी अच्छे से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वन की टेक ऑफ, वन की लैंडिंग भी अच्छे से काम करता है। अभी मैं पूरे हाइट तक इसे भेजने का कोशिश करूँगा, जहाँ तक जा रहा है देख सकते हो, ये वहाँ तक चले तो गया। जो मेरा ड्रोन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, रिमोट का कोई भी बटन कुछ भी मैं प्रेस कर रहा हूँ वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, राइट साइड ही ऑटोमेटिक जा रहा है। यहाँ पे ड्रोन आके ऑटोमेटिक गिर गया है, काफ़ी अपर से गिरा है, इतना ज़ोर से गिरा कि इसका बैटरी वगैरह सारा खुल गया था। तभी मैंने ड्रोन को ढूंढ के बैटरी वगैरह लगा लिया है। एंड अभी मैं आपको एक छोटा सा जो अभी मैंने फ्लाई किया, तो इसका कैमरा सैंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैमरा क्वालिटी तो मैंने आपको पहले ही बताया था, काफ़ी एवरेज से भी एवरेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सैंपल दिख ही रहा होगा, 144p जितना ही आपको क्वालिटी लग रहा होगा। एंड जो आप अपर से जब रिकॉर्ड करते हो वीडियो वगैरह, तो इमेज फंसने लगता है, स्मूथ आपका ये रिकॉर्ड नहीं करता, फंस के इमेज वगैरह या वीडियो जो भी वो रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो कैमरा के लिए ड्रोन बिल्कुल भी नहीं, आप नॉर्मल फ्लाइंग पर्पज से आप ले सकते हो, या फिर अगर फ्यूचर में आप कोई न्यू ड्रोन बाय करना चाह रहे हो, महंगा ड्रोन जैसे DJI हो गया, IZI, इन सब टाइप का अगर ड्रोन आप बाय करना चाह रहे हो तो आप ये ड्रोन ले सकते हो। अगर आपने कभी फ्लाई नहीं किया, जैसे क्या अगर रिमोट वगैरह आपका जो हाथ है वो यूज टू हो जाएगा ड्रोन के रिमोट वगैरह के साथ, या फिर आपको फर्स्ट टाइम ड्रोन वगैरह फ्लाई करना है, तो उसके लिए भी आप ले सकते हो, जिससे आपको एक ड्रोन उड़ाना सीख लोगे इससे इजली तरीके से। एंड ड्रोन वगैरह क्रेज भी होता है, तो आपका ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ड्रोन 2 से 3 बार भी अगर अच्छे से क्रेश हो गया, जोर से क्रेश हो गया, तो ड्रोन बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। इसका प्रोपेलर वगैरह टूट जाता है, प्रोपेलर गार्ड का जिसमें लगता है वो टूट जाता है, तो फिर बाद में आपका ये यूजलेस हो जाएगा। तो अच्छे से आप फ्लाई कर सकते हो, इंडोर में थोड़ा सेफ्टी के साथ आप इसे उड़ा सकते हो, क्योंकि और नॉर्मल हाइट में आप उड़ाओगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक लिमिटेड हाइट के बाद इसका जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, ऑटो कंट्रोल हो जाता है ड्रोन, तो कहीं भी जाके ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, ओवरऑल ठीक ठाक ये ड्रोन है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है वो आप चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो कर दीजिए लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।